वालेकुम, मैं फरमान हैदर चैनल टू के माध्यम से आपसे एक बार फिर रूबरू हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पश्चिम बंगाल और आसाम में पहले चरण का इलेक्शन खत्म हो गया। आज पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर 5 जिलों में वोटिंग हुई है और वोटिंग बहुत बंपर हुई है, मगर वहां पर कुछ लोग ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि सीआरपीएफ के कुछ जवान ने वहां पर पब्लिक को मारा भी है और पब्लिक से वोट बीजेपी को करने के लिए कहा है। इसकी वीडियो भी मेरे पास है, मैं आपको वीडियो पूरी दिखाऊंगा, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान वहां के पब्लिक को बीजेपी की तरफ वोट डालने के लिए कह रहे हैं और पब्लिक ने उनकी किस तरीके से घेराबंदी की है और सीआरपीएफ के जवानों ने उनको मारा भी है। दूसरी तरफ बंपर वोटिंग हुई है, वहां पर वोटिंग बहुत जबरदस्त हुई है और 80% तक वोटिंग हुई है, ज्यादातर जगह पर 80% वोटिंग हुई। मैं आपको बताता हूं कि पश्चिम बंगाल की 5 जिलों की 30 सीटों पर आज 27 तारीख को पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें मतदान बहुत बंपर हुआ है, 80% वोटिंग हुई है। और इसमें जो अभी तक हमारे पास सामने रुझान आए हैं उसमें पूर्वी मीनापुर में जो है वोटिंग हुई है वो 80.51 यानी 80.51% हुई है वोटिंग हुई। झाड़ग्राम में जो है 80.51 हुई है, 55 हुई है परसेंट वोटिंग हुई है। और पश्चिमी मिदनापुर में 80.12% हुई है और पुरुलिया में 77.07% हुई है और बांकुड़ा में जो है 79.90% वोटिंग हुई है। मैं आपको बता दूं कि वोटिंग इतनी जबरदस्त होने के बावजूद भी लोगों में रोष है। वहां पर लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी वालों ने जो कि सीआरपीएफ हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह के अंडर में आती है, उन्होंने वहां पर गड़बड़ी की है। कई जगह पर वोटिंग मशीन में भी गड़बड़ बताई गई है, कहीं वीवीपैट के ऊपर किसी और चीज का चिन्ह आ रहा, वोट कहीं और पड़ रहा था, इसके भी इल्जाम वहां पर लग रहे हैं। जैसा कि सबको उम्मीद थी उसी के अकॉर्डिंगली ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ आज वहां पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर भी लोगों ने हमला किया, उसको बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो है दीदी ने कराया है और दीदी के जो है दीदी हिटलर की तरीके से वहां राजनीति कर रही है। तो इस वक्त वहां पर जो माहौल है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कंटिन्यू चले जा रहे हैं और वहां पर जो लोग हैं वो अपने बल थल हर चीज का इस्तेमाल कर वहां पर वोटिंग हो रही है। और एक तरफ इतनी अच्छी वोटिंग को पब्लिक देखते हैं किस तरीके किस तरफ को इसका वो जाता है, मगर जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के लोग आज की वोटिंग से परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि वहां पर दीदी का दबदबा ज्यादा बताया जा रहा है, मगर हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि हम 200 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे, तो वहां कुछ भी हो सकता है, किसकी तरफ क्या वोट जाएगा। रैलियों में इनके भी काफी भीड़ है, रैलियों में उनके भी काफी भीड़ है, हर आदमी अपना पूरा जान लगाए हुए है पश्चिम बंगाल में कि हम इलेक्शन जीत जाएं। बीजेपी अलग तरीके से, कांग्रेस अलग तरीके से, तृणमूल कांग्रेस अपनी तरफ से, और वहां पर क्योंकि सबसे बड़ा दल जो है वो तृणमूल कांग्रेस है, वो सत्ता में है वहां पर, और बाकी जो पीछे है वो अलग अलग से दिखती, मगर जो सत्ता में होता है उसका कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा प्रभाव होता है और इसीलिए वहां पर दीदी का जो प्रभाव है वो ज्यादा है और दीदी वहां पर बहुत ज्यादा लोगों में पसंद की जाती है। दीदी ने इस बार जो हिंदुत्व का बोर्ड अपना हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी खेलती है, तो दीदी ने उसका तोड़ अलग अलग स्टेजों पर अलग अलग रामायण की और गीता की श्लोक पढ़ पढ़ के और कोई कहीं हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के लोगों को स्टेज पे से बताया कि मुझसे बड़ा हिंदू कौन होगा। मुसलमान उनके साथ यूं है क्योंकि वहां पर मुहर्रम और ईद बकरीद शबरात सब जो है वहां पर बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वहीं वहां पर जो छठ पूजा है और जो पूजा है वो लोग भी वहां पर सही तरीके से मनाते हैं, मगर वहां पर जो पिछले साल से जब इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है तब से जो बीजेपी वहां पर
हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, उसमें देखते हैं कितना वो कामयाब होती है और कितनी सीटें वहां पर लेके आती है। मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आप दूसरों तक शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। कि आप इसको बोल रहे था कि कहाँ वोट देंगे आप, इसके लिए क्या क्या बताएंगे आप? नहीं नहीं नहीं, कैमरा नहीं है, ये सोशल मीडिया है हम लोग का। सुनिए आप, सुनिए आप बात सुनिए, आप सीआरपी होके रेकिंग नहीं कर सकता है। नहीं नहीं, हम आपको बताते हैं, आपको किसने हक दिया है मानने के लिए? रुक 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 रुक, आपको नहीं नहीं नहीं, साहब जी साहब जी, हम कुछ नहीं करते, हम लोग मीडिया थ्रू से है। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपकी आप क्यों मारा है, बोलिए क्यों पीटा किया इसको, बोलिए। नहीं नहीं नहीं, बोल रहा है आपको, चार पांच बंदा बोल रहा है क्यों पीटा नहीं किया है आपने, बोलिए। आपको बोलना होगा, आपको आपको बोलना होगा क्यों पीटा किया। इसको वोट देना है नहीं देना है उसका बात है। नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं ना, वोट का मतलब नहीं है। रोके, आप क्यों मारा, बोलिए। आपको हक किसने दिया पिटाई करने के लिए? पोलिंग एजेंट होता है, होता है, ऑफिसर होता है, तो ऑफिसर ने क्या करेगा? कौन है, क्या कर लिया कौन इसको? आप लोग का क्या होता है, बताए? आप लोग का इस एरिया का जो प्रोटेक्शन है ना, कौन बांधा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आप लोगों को उसका है। चेक करना है, लेकिन इन लोगों का वोटर आईडी चेक करना, पैन कार्ड चेक करना, ये सब उधर का जो ऑफिसर होता है, ऑफिसर का होता है। पब्लिक को पिटाई करने के लिए हो किसने दिया आपको? पब्लिक को पिटाई करने के लिए हो किसने दिया आपको? आपको किसने पांच सौ जन मानक मारी से आपको किसने हक दिया मारने के लिए बांधे को? आपका अधिकार है, आपका हक पक्का है, लेकिन ये कहा गया ये बंदा पांच बंदे को मारने का हक किसने दिया आपको, बोलिए भाई? तुम लोग को मारी से ना ना मारी से ना पब्लिक बोल रहे मारा है, देखिए पब्लिक बोल रहे मार रहा है, किसने आपको हक दिया, बोलिए मेरे को। आई वांट टू नो क्वेश्चन आंसर साहब, मेरी तरफ से कोई इतराज नहीं है। हाउ डार यू टू टच देम, हाउ डार यू टू टच देम, प्लीज टेल मी, यू हैव नो अथॉरिटी टू टच देम, यू हैव नो अथॉरिटी टू टच देम, व्हाई यू टच देम, प्लीज टेल मी व्हाई यू टच देम, व्हाई यू टच देम, आई वांट टू